दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा। आज दोस्तों मैं आप लोग को बताने वाला हूं, और यहां पे देखिए आज बहुत मुश्किल से दोस्तों इतना फीड मंगवा पाया हूं। यहां पे चक्कर क्या था दोस्तों कि हमारे प्राइवेट जितने भी फार्मिंग करने वाले भाई हैं, तो किसी ने कुछ बच्चा डाल रखा है, किसी ने क्रायलर डाल रखा है, किसी ने ब्रायलर डाल रखा है, जिसका छोटा यानी कम बच्चे जिनके पास थे उन्होंने किसी न किसी तरीके से इन बच्चों को बचा लिया है दोस्तों। तो हमने क्या किया है कि अभी तो हमारी ये पूरी दुकान जो है दोस्तों, जरा बाहर दिखा दीजिए पानी, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहीं से मतलब पानी अंदर तक घुस आया था, लेकिन अभी क्या है कि फर्श जो है हमारी ये छूट चुका है। तो हमने क्या किया है कि इसमें से सारा जो हमारा जो दुकान का मटेरियल था दोस्तों, उसको हमने छत पे रखवा दिया है। इसको पूरी तरीके से खाली करवाया था ताकि इसको मैं गोडाउन बना सकूं, और मेरी गाड़ी अगर किसी भी तरीके से आ जाए तो मैं यहाँ पे फिर रख सकूं दोस्तों। इसलिए मैंने इसको अब इतने सारे प्राइवेट लोग जो प्राइवेट फार्मिंग करते हैं दोस्तों, वो सब बेचारे फीड मांग रहे थे कि अजय भाई अब बाढ़ से किसी तरीके से अगर मुर्गा बच गया है तो उसके लिए फीड की व्यवस्था जरूर आप करिए। तो मैंने दोस्तों क्या किया है कि फीड मंगवा लिया है, पर अभी मजबूरन दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको कि बहुत मुश्किल से जाके आज मेरे पास 20 बैग फीड आ पाया है। बहुत ही मुश्किल से फीड आ पाया है। मैं आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों कि पानी ने वो दुर्दशा बना दिया हम लोगों की। अरे मैं आपको क्या बताऊं, मेरा अपना पर्सनल इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि जिसके बारे में कुछ कहना मुश्किल ही है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि अगर जिन किसान भाइयों का मुर्गा बच गया है, यानी बाढ़ में नहीं भीगा है और बच गया है, वो लोग दोस्तों आप लोगों से एक गुजारिश है कि जैसे मान लीजिए कि आपके फार्म में पानी भर रहा था, आपने चिक्स को उठा करके कहीं ऊंची जगह पे रखा है, वहां से अगर पानी फार्म का निकल गया है और आप डालना चाह रहे हो, तो आप लोगों को एक गलती नहीं करनी है, वरना क्या होगा दोस्तों कि आपका नुकसान और होगा, यानी बर्ड आपका फीड कंजप्शन करेगा बट वो वजन नहीं लेगा। ऐसे सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना होगा दोस्तों, उसको भी मैं बता देता हूं आप लोगों को कि सबसे जरूरी चीज ये है कि पहले उस फार्म की जो लीटर है उस लीटर को निकलवाइए। लीटर पूरी तरीके से निकालने के बाद में दोस्तों उसमें चूना वगैरह अच्छे से मारिए ताकि वो पानी को थोड़ा सा सोख ले, और जब मिट्टी पूरी तरीके से नमी से दूर हो जाए दोस्तों, इसके बाद में जहां आप 2 इंची मोटी भूसी डालते थे, वहां पे कम से कम 4 से 6 इंची मोटी भूसी डाल करके ही डालिए। नहीं तो होगा क्या कि बर्ड नीचे से जो भूसी है वो नमी पकड़ाएगा बर्ड को, और जब नमी पकड़ेगा तो दोस्तों वजन नहीं आएगा। यानी आपके बर्ड को अगर नीचे जमीन से नमी मिलती रहेगी और बाहर से बाहर जो अपना ये मौसम है इसका भी ठंडी मिलेगा, प्लस रात के समय में दोस्तों इतना ज्यादा ठंड पड़ रहा है, तो ऐसे में दोस्तों वजन नहीं आएगा, तो इस नुकसान होगा आपका। यानी मुर्गा आपका 150 ग्राम पर डे का अगर बड़ा पीस में है, यानी 1800-1500 ग्राम प्लस का है, तो आपका 150 ग्राम पर डे का फीड खाएगा, बट आपको 100 ग्राम के बजाय वजन वो 20 ग्राम भी नहीं देगा। तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों का नुकसान होगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि सबसे पहले आप अपने फार्म को सूखा कर लीजिएगा, इसके बाद में ही चिक्स डालिएगा। नहीं तो जहाँ भी हैं जैसे सिचुएशन में है वैसे रहने दीजिए, अगर वो सर्वाइव कर रहे हैं तो वहीं पर रहने दीजिए। हाँ कुछ ऐसी कंडीशन है दोस्तों कि जैसे बहुत सारे लोग छतों पर डाले हुए हैं या कहीं अलग जगह पे डाले हुए हैं, वो लोग इसको जरूर शिफ्ट कर लें। दूसरी चीज ये बता दूं दोस्तों कि अभी मेरी बात चल रही है तो बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि अजय भाई फीड का जो है मसला ये फंस रहा है, बहुत सारी जगह पे बाढ़ बाढ़ की वजह से दोस्तों फीड खराब भी हो गया है बहुत सारे फार्मरों का। रात में अचानक से बाढ़ चढ़ा और वो लोग फीड नहीं निकाल पाए, तो उसमें क्या होगा कि फीड खराब हो गई है। तो अब जो हमारे क्षेत्रीय हैं दोस्तों, वो हमसे हमारे पास आ चुकी है थोड़ी बहुत फीड, जो वो अपना काम चलाने के लिए ले सकते हो। बाकी अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो वो भी अभी मैं पूरी
पूरी कोशिश है दोस्तों कि मैं जितना जल्दी हो सके फीड मंगवा के आप लोगों तक पहुंचवा दूं। एक चीज मैं और आप लोग को बताना चाहूंगा दोस्तों कि अभी मुर्गे का जो चिक्स का रेट है ये डाउन हो गया है, 30 रुपये में आ गया है। अब वही लोग चिक्स डालिएगा जिनका फार्म पूरी तरीके से सूखा हो। जल्दबाजी मत करना दोस्तों, वरना शुरुआत से ही एसाइटिस पकड़ना शुरू कर देगा, बर्ड के पेट में पानी भर जाएगा, मरना शुरू कर देगा, यानी शुरुआत से ही दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए दोस्तों आप लोग थोड़ा सा केयर करिए, धैर्य रखिए, फार्म जब तक पूरी तरीके सूख ना जाए तब तक चिक्स ना डालें। और अभी मुर्गे के मंडी की रेट की बात की जाए दोस्तों तो वो थोड़ा डाउन चल रही है, बट जहाँ तक उम्मीद ये लगाया जा रहा है कि आगे इसी हफ्ते के बाद में दोस्तों अच्छा खासा रेट आ जाएगा। तो अपने फीड किसी तरीके से दोस्तों, चाहे मिक्स फीड करिए, मक्का मिल जाए उसको मिला के खिला लीजिए, लेकिन मुर्गे को रोक के रखिए। क्योंकि ऐसे में दोस्तों अभी जैसे कि एक मेरे दोस्त हैं, उनके पास 3,000 मुर्गा है, लेकिन कह रहे हैं कि भाई जो हमारा कास्टिंग है वो भाग रहा है। तो कास्टिंग को भागने से बचाने के लिए दोस्तों अपना थोड़ा मिक्स चला रहे हैं अभी। और मान के चलिए कि दोस्तों अगर हम थोड़ा सा मिक्स करते हैं तो हमारी कास्टिंग थोड़ी सी तो डाउन आती ही है। ऐसे में दोस्तों मैं आपको और भी ट्रिक बता सकता हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा जब काम करेगा, जब आपका मुर्गा एकदम उठने वाला हो, यानी 42-45 दिन का हो चुका होगा, तो आप लोगों का ज़्यादा काम करेगा। वहाँ पे ये फीड ज़्यादा काम करेगी, वो मैं बताऊँगा। बाकी दोस्तों अभी आपको दिखाना चाहूँगा कि गाड़ी आई है कैसे, पानी में खड़ी हो करके फीड उतार रही है, वो चीज़ आपको दिखाता हूँ थोड़ी सी एक झलक। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखिए कि किस तरह से कितनी मुसीबत है और पानी हर साइड में भरा हुआ है। हमारे ना तो फार्मों पे कहीं जुगाड़ है दोस्तों, और ना तो मैं इसको घर में भी नहीं रख सकता हूँ। मैं बता रहा हूँ आपसे कि इतना ज़्यादा परेशान हूँ इस चीज़ को ले करके कि अब क्या बताएं दोस्तों। और हर तरफ, कहने का मतलब यह है कि आप अगर एक आदमी का हो तब तो आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन अगर ये मुसीबत सबके ऊपर है तो क्या किया जा सकता है भाइयों। बहुत ही समस्या है, और यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर तक पानी आ गया था, और ये पानी जब गाड़ियाँ चलती थी तो हमारे यहाँ अंदर भी घुस जाया करता था। अभी मैं यहाँ पे देखे इस फीड को लगवाया हूँ नीचे में पॉलीथीन डाल के, कि इसमें सीलन ना पकड़ पाए, क्योंकि दोस्तों सीलन पकड़ेगी तो हमारी फीड ख़राब हो जाएगी। और ये दुकान को मैं पूरी तरीके से खाली कर चुका था। मैंने सोचा था कि आने वाले दिन में जिस दिन भी फीड आएगी हम तुरंत इसको गिर में रख लेंगे। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, काफ़ी मुसीबतों से झेल रहे हैं हम लोग, और बहुत ही दुखदाई सिचुएशन चल रही है अभी, बहुत ही दिक्कत है दोस्तों। और हमारे पास ही क्या, जिनके पास भी मुर्गे हैं और जो भी लोग पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं वो सब लोग इसी परेशानी से जूझ रहे हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों रोड के ऊपर इतना पानी भरा हुआ है, एकदम जस्ट बाहर ही, बहुत समस्या है। इसी तरीके से दिन कट रहे हैं दोस्तों, और सब समस्याएं घेर के रखती हैं। तो ये बीच बीच में अपनी स्थिति को इसलिए दिखाता रहता हूँ दोस्तों, ताकि आप लोगों को पता रहे कि हाँ हम लोग भी जिंदा हैं अभी। बाकी दोस्तों जिंदा तो है लेकिन कोई मतलब कि जिंदा नहीं है। इतना नुकसान हो गया जिसका कोई मतलब हद ही नहीं है,
बहुत रुपए चले गए दोस्तों, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। दुकान से लेके फार्म तक का सब कुछ इस पानी ने ढहा दिया और घर की स्थिति भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई पानी भर जाने के कारण से। तो बहुत समस्या है, लेकिन अब क्या किया जाए।